Hello kids, how are you all? Today in chapter number 1, that is your topic 0. Now we are going to study about, अभी आज हम क्या पढ़ेंगे? कल तो हमने पढ़ा था adding a number, adding 0 to a number. आप किसी भी number को 0 से add करते हो, so what you will get as your result? आपको result क्या मिलता है और आपको output क्या मिलता है? Same we will do here also. Today we will study if we will subtract a number from 0, अगर आप 0 से किसी number को subtract करते हो, then what you will get as your answer, आपको answer में क्या मिलता है? Number minus 0 is equal to same number, means अगर आप 0 को किसी भी number से minus करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? Same number मिलेगा, okay? So let's start from your book exercise. Now, before starting the exercise, let's see a figure and just guess how we can subtract a number from 0. आप किसी भी number को 0 से subtract करके आपको क्या मिलता है? That we will do with the help of this figure. ये figure की help से पहले हम देखेंगे, then we will do the exercise. उसके बाद हम exercise करेंगे. Subtracting 0. Suppose you can see a fish pot is here. यहाँ पर एक fish pot है, उसमें 3 fishes हैं. कितनी fish हैं? 3 fish हैं. 3 मछलियाँ हैं. Then again fish, same fish pot, उसमें से अगर आपने one fish निकाल ली, आपने one fish को take off कर लिया, now how many fish are left here? अब यहाँ पे कितनी बची है? 1, 2. So 3 minus 1 is equal to 2. But third वाली fish tank, fish bowl में देखो, अगर इस bowl में से हमने एक भी fish नहीं निकाली, इस fish pot में से हमने एक भी fish नहीं निकाली, हमने कोई भी fish नहीं निकाली, then हम क्या कर रहे हैं? जीरो निकाल रहे हैं उसमें से. आपको बताया था ना कि कुछ भी नहीं का मतलब होता है जीरो. जीरो मींस नथिंग. तो कुछ भी नहीं की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? जीरो. नो फिश. सो 3 minus 0 इज इक्वल टू, अगर आप जीरो को, सॉरी, अगर आप 3 को 0 से माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा? 3. इसमें यहाँ पे ये जो पर्सन है, इन्होंने कुछ भी नहीं निकाले, जो आदमी है इसने कुछ भी नहीं निकाला, फिश, कोई भी फिश नहीं निकाली इस पॉट में से, तो 0 हो गया. सो 3 minus 0 इज इक्वल टू 3. और यहाँ पर इन्होंने 1 निकाल दिया, तो 3 minus 1, तो कितनी बची थी लास्ट में? यहाँ पे पॉट में कितनी फिश बची थी? 2. सो नाउ क्लियर? नंबर माइनस 0 इज इक्वल टू सेम नंबर. अगर आप किसी भी नंबर को 0 से माइनस करते हो तो आंसर क्या आएगा? दैट सेम नंबर, आपका वो सेम नंबर ही आपका आंसर होगा. क्लियर? नाउ लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज. फिल इन. What do you have to do? आपको बस माइनस करना है और आंसर लिखते जाना है. सपोज 1 minus 0 इज इक्वल टू 1. ये आपके लिए ऑलरेडी एज एग्जाम्पल किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट वन इज 4 minus 0. अगर आप 4 में से 0 माइनस करते हो, देन वॉट यू विल गेट एज द आंसर? आपको क्या मिलेगा? करेक्ट, 4. क्योंकि आपने कुछ भी तो माइनस नहीं किया 4 में से, सो यू विल गेट 4 एज द आंसर. सेम 4 ही आपका आंसर होगा. देन 6 minus 0. अगर आप 6 में से 0 माइनस करते हो, देन 6. 9 minus 0, 9. 2 minus 0, अब फिर से हम 2 में से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं, तो 2. 5 minus 0, 5. 7 minus 0, 7. अब आप देख रहे हो, सिर्फ 0 से, अगर सॉरी, किसी भी नंबर को हम 0 से माइनस करते हैं तो वो सेम नंबर आएगा. आपको कुछ भी इसमें सोचना नहीं है कि 0 कितना होगा, क्योंकि आपको पहले से यह भी आपने पढ़ा था कि 0 मीन्स नथिंग. 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, सो आप डायरेक्टली वो नंबर लिख दोगे. तो नंबर माइनस 0 इज इक्वल टू सेम नंबर. सो 10 minus 0 इज इक्वल टू 10. 3 minus 0 इज इक्वल टू 3. 0 minus 0, अब 0 को 0 से ही माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा? 0. 8 minus 0, 8. Then 12 minus 0, 12. So now understood? अगर आप किसी भी नंबर को 0 से माइनस कर रहे हो तो वो सेम नंबर आएगा. क्लियर? जैसे आपने एडिशन में किया था, अगर आप किसी भी नंबर में 0 ऐड कर रहे हो तो वही सेम नंबर आएगा. वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से माइनस करते हो तो वो सेम नंबर ही आता है. सो क्लियर टिल हियर? यहाँ तक समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब एक और टॉपिक आज हमें खत्म करना है, सो लेट्स डू स्टार्ट दैट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इट्सेल्फ. आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो? ओके,
नंबर माइनस सेम नंबर इज इक्वल टू जीरो. सपोज आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से माइनस कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? जीरो. सपोज वन है तो वन को आप वन से ही माइनस करोगे, देन यू विल गेट आंसर एज जीरो. आपको आंसर क्या मिलेगा? जीरो. नाउ लेट्स मूव टू योर बुक एक्सरसाइज. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फिगर. ये फिगर की हेल्प से हम समझते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर जीरो कैसे आता है. सपोज इन दिस फर्स्ट पिक्चर देयर आर टू हेलीकॉप्टर्स. कितने हेलीकॉप्टर्स हैं? टू हेलीकॉप्टर्स. बोथ टेक ऑफ हेलीकॉप्टर्स लेफ्ट, मतलब दोनों हेलीकॉप्टर्स उड़ गए. टेक ऑफ मीन्स उड़ गए. देन हेलीकॉप्टर्स लेफ्ट. अब यहाँ पे कितने हेलीकॉप्टर्स बचे हैं? नन, कुछ भी नहीं बचा है. टू हेलीकॉप्टर्स थे और दोनों उड़ गए. देन टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. नो हेलीकॉप्टर्स लेफ्ट मीन्स टू में से हमने टू माइनस कर दिया तो कितना बचा अब? जीरो. सो नाउ क्लियर? दो हेलीकॉप्टर्स थे, दोनों उड़ गए, तो अब यहाँ पे क्या बचा? नो हेलीकॉप्टर, कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है, तो आंसर विल बी जीरो. सो नंबर माइनस सेम नंबर इज इक्वल टू जीरो. मतलब कोई भी नंबर हो, सपोज थ्री है या फिर फोर है, आप उसी को उसी नंबर से माइनस करते हो. थ्री को थ्री से माइनस करोगे और फोर को फोर से माइनस करोगे, देन व्हाट यू विल गेट एज आंसर? थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. सो नाउ क्लियर? अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से आप माइनस करते हो देन यू विल गेट जीरो एज योर आंसर. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. सी फर्स्ट वन इज फिल इन. अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली देखना है, समझना है और आंसर फिल करते हुए जाना है. सी वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. वन में से अगर आप वन माइनस करते हो तो आंसर कितना आएगा? जीरो. टू में से टू माइनस करोगे, अगेन जीरो. थ्री में से थ्री, जीरो. फोर में से फोर करते हो, जीरो. फाइव में से फाइव करोगे, जीरो. सिक्स में से सिक्स, अगेन जीरो. मतलब किसी भी नंबर को आप उस नंबर से माइनस करते हो देन यू विल गेट जीरो एज योर आंसर. सपोज सेवन माइनस सेवन करोगे तो भी यू विल गेट जीरो. एट माइनस एट, अगेन. नाइन माइनस नाइन, जीरो. टेन माइनस टेन, जीरो. ट्वेल्व, जीरो. फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन, जीरो. क्लियर नाउ? सपोज इफ यू हैव टू चॉकलेट्स विथ यू, आपके पास टू चॉकलेट्स हैं और आपने दोनों चॉकलेट्स खा ली. नाउ व्हाट इज लेफ्ट विथ यू? दो चॉकलेट थी आपके पास, आपने दोनों खा लिया. सो टू माइनस टू कितना हो गया? जीरो. सो नाउ क्लियर? नंबर माइनस सेम नंबर, कोई भी नंबर हो और आप उसको उसी नंबर से माइनस करते हो देन यू विल गेट जीरो एज योर आंसर. सो this much for today. Tomorrow we are going to do a small mental activity, that is your maths gym. उसको बस थोड़ा सा वो रेफरेंस, जो भी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी है उसी को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. सो tomorrow's video we are going to do this one only, mental gym. Maths gym जिसको बोलते हैं वो mental exercise है. We will do it tomorrow. So thank you for today. Thank you.